नमस्ते, स्वागत है आपका। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इस वक्त मैं वाराणसी रोडवेज पे हूँ। वाराणसी का ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड भारत बंद का असर यहाँ देखने को मिल रहा है। बसें जो हैं इस स्टैंड में नज़र नहीं आ रही हैं। बीरानपरा है स्टेडियम, बीरानपरा है यह स्टैंड। सुबह से ही लोग जो है बस स्टैंड पहुंच रहे हैं, मगर बस स्टैंड पर उन्हें ना तो बसें मिल रही हैं, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है कि कब तक बसों का परिचालन जो है शुरू हो पाएगा। केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम लाई है और उसी के विरोध में जो देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। और बस स्टैंड की अब तस्वीर देखिए, वाराणसी बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह से ही यहाँ से बसें मूव नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पहले इस स्कीम के विरोध में बस स्टैंड में तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद एहतियात के तौर पर आज भारत बंद का जब आह्वान किया गया तो बस जो है बस स्टैंड में सन्नाटा पसर गया। यहाँ पे एक भी बसें नज़र नहीं आ रही हैं। सुरक्षा के इंतजाम हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की जो है उपद्रवी जो है यहाँ पहुँच नहीं सकें। इसके अलावा शहर भर में भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे का भी परिचालन आज बाधित है, करीब हर रूट पर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। और इस समय बस स्टैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी रोडवेज को पूर्वांचल की लाइफलाइन कही जाती है। यहाँ से आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा सहित तमाम जगहों की बसें यहाँ से जाती हैं, मगर आज भारत बंद के मौके पर यहाँ सन्नाटा पसरा है। पैसेंजर्स जो हैं आ रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो भारत बंद का जो है बनारस के बस स्टैंड पर व्यापक असर देखने को मिला है। बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बनारस में भी बवाल देखने को मिला था। यहीं रोडवेज बस स्टैंड में ही काफ़ी बसों में तोड़फोड़ की गई थी। इसके अलावा कई दुकानों को निशाना बनाया गया था। और उसके बाद इसी स्कीम को लेकर आज जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो यहां से जो हैं बस स्टैंड जो बस मालिक थे यहां बसें लेकर नहीं आए, या कहें कि बसें जो हैं पूरी तरह से गायब हैं। पैसेंजर्स को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि रेलवे की तरफ से पहले ही कई ट्रेनों को रद्द कर दिया जा चुका है और उसके बाद बस स्टैंड पर अगर बसें नहीं हैं तो अमून स्वाभाविक है कि जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग जो है बस स्टैंड में पहुंच रहे हैं, मगर यहां उन्हें किसी भी रूट की कोई बस नहीं मिल रही है, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। बहुत सारे पैसेंजर्स सुबह से ही यहाँ बस स्टैंड में मौजूद हैं, मगर उन्हें ना कोई बताया जा रहा है कि कब तक बस का परिचालन शुरू हो पाएगा। ऐसे में हम कुछ पैसेंजर्स से भी है बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? सुजीत नाम है। कब से आए हैं यहाँ पे? 3 घंटे हो गए, 9 बजे से। क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं आज बस नहीं चलेगी। कहाँ जाना था आपको? शक्तिनगर, छत्तीसगढ़। अरे वो शक्तिनगर जाना है। आगे आपका क्या नाम है? सौरभ भरद्वाज। आपको कहाँ जाना था? कहां मुझे सिंगरौली ही जाना था। कितना अभी आए हैं आप? जी मैं अभी आया हूँ, इनके साथ ही जाना था मुझे। अच्छा, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? फिर बताया जा रहा है कि बस नहीं चलेंगी। आप प्राइवेट देखिए, प्राइवेट में जा रहे हैं वहाँ भी बोल रहे हैं भाई बस नहीं है। और बाहर वाले लोग बोल रहे हैं भैया पैसे एक्स्ट्रा दो, हम प्राइवेट पे ले जाएंगे यहाँ पे लोकल टैक्सी। क्या लगता है आपको जो ये जिस वजह से ये आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को आप क्या मानते हैं? हम क्या बोल रहे हैं महाराज, इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। जो सरकार जो स्कीम लेकर आई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो स्कीम बहुत सही है, सही 6 साल 4 साल आप घर बैठ के फालतू में बैठे हो। 4 साल नौकरी कर लो, कुछ चला नहीं जाएगा। रिटायरमेंट पैसे भी मिल रहे हैं आपको, जॉब भी मिल रही है। जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अगर 4 साल घर में बैठे रहोगे फालतू में, इससे अच्छा आप वही नौकरी कर लो। तो कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा है उसको आप सही नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते, ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल। काफ़ी सारे और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो बस स्टैंड पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आंदोलन हो रहा है, लगातार जो है सरकारी संपत्तियों को टारगेट किया जा रहा है, काफ़ी सारे लोग जो हैं इससे परेशान हैं। कहाँ जाना था आपको? मैंने कहाँ जाना है आपको? सोनभद्र। कितने देर से यहाँ बैठी हैं?
आज से बैठे, कल आए थे। क्या बताया जा रहा है? अभी नहीं चलेगी बस, रोडवेज नहीं चलेगी। अभी नहीं चलेगी। मैम आपको कहाँ जाना है? सोनभद्र। सोनभद्र जाना है। क्या बताया जा रहा है? पता नहीं, सब बोल रहे हैं कि बस पता नहीं कब चलेगी। अब कितने बजे से आप आई? एक दो घंटा हो गया। अच्छा, क्या लगता है आपको, पता होगा किस वजह से ये बंद हुआ है, आंदोलन हो रहा है, इसको आप सही मानती हैं? नहीं, नहीं मानती। किसी भी चीज़ से जिससे आम जनता इतनी परेशान हो रही हो, वो चीज़ सही नहीं हो सकती। किन सरकार की जो नई स्कीम है अग्निपथ, उसको उसके बारे में आप जानती हैं? हाँ। क्या लगता है जो सरकार की स्कीम है वो सही है युवाओं के लिए? हाँ, मुझे तो वो सही लगती है। आपको सही लगती है? कहाँ से आप आए हैं? हम ये जौनपुर से। कहाँ जाना है? गोरखपुर। क्या कितने देर से यहाँ बैठे हैं और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ के जो है कि यहाँ तो यही है कि यहाँ के रोडवेज प्रबंधक महोदय अभी तक यही नहीं जानकारी है कि अपनी यहाँ क्या व्यवस्था रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि सिर्फ यही है कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसकी तो सुरक्षा कीजिए। और यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, ये सब रोडवेज वाले अपना काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन कितना सही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने मन की बातें हैं। इस संदर्भ में किसी के मन की बात कोई जान नहीं सकता, जानता सभी है लेकिन लोग कह नहीं पाते। आपकी क्या राय है, क्या सरकार की जो अग्निपथ योजना आई है वो सही है? 4 साल के लिए रोजगार सरकार दे रही है, क्या वो सही है? या फिर जो युवा का प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि नहीं यह सही नहीं है, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? वैसे शासन जो भी सोचा होगा, कुछ सोच करके कर रहा होगा, इसकी उनकी प्रतिक्रिया हमें व्यक्त करने का अधिकार नहीं। कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, उसको लेकर ये संदर्भ में हमने तो कोई ऐसी बातों में नहीं देखा है। तो लोगों की जो है प्रतिक्रिया आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे वाराणसी बस स्टैंड की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। यहाँ सुबह से ही सन्नाटा पसरा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसकी वजह से वाराणसी बस स्टैंड पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वाराणसी में सुबह से ही बसों का परिचालन बंद है।